हेलो एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, बाबा रामदेव की कंपनी है ये। एक्चुअली पहले बाबा रामदेव की कंपनी नहीं थी और बाबा रामदेव ने इसको अक्वायर किया है। कंपनी बर्बाद हो गई थी, कर्जे के बोझ के तले दब के काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी कंपनी और दिवालिया कोर्ट की प्रोसेस में चली गई थी। और वहां से बाबा रामदेव ने इस कंपनी को अक्वायर किया और आज इसका शेयर 340 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रुचि सोया में क्या अभी खरीदने का मौका है कि नहीं, या फिर अब हमें थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रुचि सोया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 340 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। लेकिन आप, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, पिछले 3-6 महीने का अगर मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर 13 नवंबर तक ये शेयर 3 रुपए 35 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, बाद में उसकी लिस्टिंग होती है 28 जनवरी को सीधी 17 से 18 रुपए के आसपास। तो नवंबर से जनवरी का जो महीना है उसमें शेयर ट्रेड नहीं कर रहा था। रीजन ये था कि भैया शेयर जो है वो दिवालिया कोर्ट की प्रोसेस में था और उसके चलते शेयर में ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। और जैसे ही दिवालिया कोर्ट के प्रोसेस से ये बाहर आया, बाबा रामदेव ने इसको खरीदा, शेयर सीधा 17 रुपए के ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर जाननी भी चाहिए कि 3.5 रुपए का शेयर 17 पे गया, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने 3.5 रुपए के आसपास ये शेयर खरीदा था वो आज भी लॉस में है, क्योंकि उनको 100 शेयर के बदले एक शेयर दिया गया था। अगर हम मान लीजिए कि उस वक्त अगर आपने 3.5 रुपए के आसपास खरीदारी की थी तो आपको अपना पैसा जितना लगाया है उतना वापस तब मिला होगा जब ये शेयर 350 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन अभी 340 रुपए के आसपास है। तो भैया जिन जिन लोगों ने खरीदारी 3 से 4 रुपए, अगर जिन्होंने 4 रुपए के आसपास खरीदारी की थी उनको भी फायदा तब होगा जब शेयर 400 रुपए के ऊपर जाएगा, क्योंकि हर 100 शेयर के बदले में उनको सिर्फ एक शेयर दिया गया था। अगर आपके पास 1,000 शेयर उस वक्त होंगे रुचि सोया के, तो अब आपके पास वो शेयर सिर्फ 10 ही दिखाएंगे। तो डेफिनेटली जिन जिन लोगों ने खरीदा था वो गिरावट में जरूर है, लेकिन अब उनके पास मौका आ रहा है कि वो पॉजिटिव में आ सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में वो लोग पॉजिटिव में आ जाएंगे, और क्योंकि जिस तेजी से शेयर आगे बढ़ रहा है, काफी बड़ी रैली है, बीच नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर समझनी चाहिए कि अगर लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया तो शेयर में एक गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि भैया डेफिनेटली जिन जिन लोगों के 100 शेयर का एक शेयर बन गया होगा उनको दुख तो बहुत हुआ होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही शेयर प्रॉफिट में आएगा लोग क्या करेंगे, भैया रिस्की इस कंपनी है चलो निकल जाते हैं। शायद ये मेंटालिटी कुछ लोगों में देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई बेचेगा, जी नहीं, कोई बहुत ही कम लोग बेचेंगे, हार्डली 1 या 2% ही लोग ऐसे होंगे जो बेचने का सोचेंगे उस वक्त। तो शायद हो सकता है कि जब शेयर 350-360 रुपए क्रॉस करे तब, अभी तो कोई खरीदारी करने का किसी को मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भैया कोई बेच नहीं रहा है, तो शायद 350-360 रुपए के ऊपर पहुंचने के बाद शायद आपको देखने को मिले कि भैया ट्रेडिंग आप भी कर पाएंगे यहाँ पर। ये पॉसिबिलिटी है, मैं श्योर नहीं बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है ये। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी है इनकी। पी की बात करें तो 1.30 है, इंडस्ट्री पी 20 के आसपास है, तो काफी बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैया बहुत ही बड़ा प्रॉफिट इन्होंने बुक किया था, पैसा कमाया था। दिसंबर क्वार्टर में 7,617 करोड़ रुपए का इनको मुनाफा हुआ था। इससे पहले कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी, कंपनी मुश्किल से 7 करोड़ 32 करोड़ 14 करोड़ से इतना ही मुनाफा था। रीजन ये था कि तब कंपनी कर्जे के बोझ के तले दबी हुई थी। अब जब मार्च के क्वार्टर कैसे आएंगे वो देखने वाली बात होगी, कि भैया पतंजलि ने अब इसको अक्वायर किया है, मार्च और जून के क्वार्टर वाकई में इसके इंटरेस्टिंग होंगे और देखना हमें जरूर चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास 98.83% की होल्डिंग है, और आप देखिए यहाँ पर कौन है प्रमोटर, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड, जिनके पास 48.17% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड 2015 में पे गया था, उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया। अब देखने वाली बात है कि जब पतंजलि ने इसको अक्वायर किया है तो क्या वाकई में वापस से ये लोग डिविडेंड देना शुरू करेंगे कि नहीं, वो भी एक काफी बड़ी देखने वाली और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर जरूर होगी। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली जिन्होंने बहुत पहले खरीदारी की थी
और जिनके पास अभी भी अरुचि सोया के शेयर है वो लोग भी कोई प्रॉफिट में नहीं है, वो लोग भी लॉस में ही है। तो शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों सॉरी कुछ दिनों बाद जब शेयर 350, 400, 450 तक अगर जाए तब उनको प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं रुचि सोया में खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर अभी बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है, जो एक्चुअल में ये प्राइस मुझे थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा है इनका। तो बाकी मर्जी आपकी है, अगर आपको खरीदारी करनी है, आपको रिस्क लेना है, तो आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन रिटेल निवेशक को मैं यही बोलूंगा कि आप रुचि सोया में पैसा लगाएं, उससे बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे एफएमसीजी में अपना पैसा डालें, तो आपको और ज्यादा बढ़िया मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि तो देखिए रुचि सोया में तो अभी किसी को खरीदारी करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, और जब खरीदारी करने का मौका मिलेगा तब वो कितने प्राइस के ऊपर मिलेगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जरूर है, क्योंकि अभी तो कोई खरीदारी यहाँ पर किसी को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए रुचि सोया को मैं उतना ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा इस प्राइस के ऊपर। जब शेयर 17 रुपए के ऊपर था तब मुझे लगा था कि भैया बढ़िया मौका है, आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, इवन 200-250 रुपए के आसपास भी मैंने कहा था कि अभी भी शेयर आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अब जब 340 रुपए पर शेयर चला गया तब मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पर जरूर है। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार करें और सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और रुचि सोया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।